दोस्तों इस स्प्लेंडर के अंदर प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है और बाद में स्टार्टिंग दिक्कत करती है। हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्ट है, जैसे हेडलाइट ऑन कर रहे हैं और हॉर्न वगैरह दबा रहे हैं तो ये गाड़ी बंद हो रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम हमारी बाइक में दिक्कत आती है तो बैटरी का तार हटा के हमें चेक कर लेना है कि गाड़ी बैकअप दे रही है या नहीं दे रही। तो आप एक बार बैटरी का तार हटाएं, और बैटरी का तार हटाने के बाद आपको दोबारा स्टार्ट करनी है। आप देख सकते हैं कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, हम इसके अंदर किक ले रहे हैं और किक लेने के बाद भी ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और ना ही न्यूट्रल बत्ती शो कर रही है। तो हमें करना क्या है कि इसकी जो सीट है वो खोल लेनी है, और सीट खोलने के बाद दोस्तों इसके पिछले साइड आरआर यूनिट होती है जिसको लोग चार्जर भी बोलते हैं, हमें इसके चार तार होते हैं, उन चारों तारों को चेक करना है कहाँ से कट है, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों 10 नंबर का बोल्ट होता है, उसको आपको खोल लेना है। अभी मत दिखाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रेड कलर का तार है जो हमारी गाड़ी को बैकअप देता है वो टूटा हुआ है, कटा हुआ है, और एक इसकी जो हेडलाइट का तार है वो भी टूटा हुआ है। तो दोस्तों हमें इसको जोड़ के आपको दिखाएंगे कि इसमें समस्या क्या है। तो दोस्तों हमने इसके अंदर आरआर यूनिट के अंदर एक तार ज्वाइंट किया है जो रेड कलर का था, बैकअप जो बाइक बैकअप देती है। तो दोस्तों ये इसका तार टूटा हुआ था, इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो हमारी बैटरी थी वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाई और बैटरी के करंट से बाइक चल रही थी। तो आपको दोस्तों बता दूं, अगर ये समस्या आपको चेक करनी है कि हमारा जो तार है या आरआर यूनिट है सही है या ख़राब, उसको कैसे चेक करते हैं, आपको बैटरी का तार हटा लेना है और बाइक की की ऑन करके आपको स्टार्ट करके देखना है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है और जो समस्या थी वो मिट चुकी है। अब हम इसका बैटरी का तार और लगाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों हमने इसके अंदर आरआर यूनिट के अंदर एक तार ज्वाइंट किया है जो रेड कलर का था, बैकअप जो बाइक बैकअप देती है। तो दोस्तों ये इसका तार टूटा हुआ था, इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो हमारी बैटरी थी वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाई और बैटरी के करंट से बाइक चल रही थी। तो आपको दोस्तों बता दूँ, अगर ये समस्या आपको चेक करनी है कि हमारा जो तार है या आरआर यूनिट है सही है या ख़राब, उसको कैसे चेक करते हैं, आपको बैटरी का तार हटा लेना है और बाइक की ऑन करके आपको स्टार्ट करके देखना है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है और जो समस्या थी वो मिट चुकी है। अब हम इसका बैटरी का तार और लगाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी।